नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे लर्निंग लेसन्स के लिए बात करना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक लर्निंग लेसन्स है तो आपको आज मैं पांच बड़ी बातें लर्निंग लेसन्स की मुख्य पांच बड़ी बातें बताने वाला हूं, जो अगर आपके पास है तो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। अगर आपको इस वीडियो में अगर आप वो जानकारियाँ जान लेते हैं पूरा वीडियो देख के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक करें, और इस वीडियो पर आप ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही जानकारी इस वीडियो पे चैनल पे आती रहती है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए आज टॉपिक फोकस करते हैं। आज का टॉपिक है लर्निंग लाइसेंस से जुड़ी पांच मुख्य बातें जो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली लर्निंग की जो बात है वो वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो 6 महीने तक वैध माना जाता है। 6 महीने तक वो जब इशू किया जाता है उस डेट से लेकर 6 मंथ तक उसके वैलिडिटी होती है, उसके बाद यह लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। तो सबसे पहला जानकारी लर्निंग लाइसेंस के लिए यही है कि इसकी वैधता 6 मंथ्स तक होती है। उसके अलावा दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस जो दूसरी बड़ी बात इसमें निकल के आती है वो होती है इसकी न्यूनतम जो एज होनी चाहिए लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए, वो 18 साल होने चाहिए। बिना 18 साल आप अगर कंप्लीट नहीं है तो आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जब 18 साल कंप्लीट कर लें तभी आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करिएगा। तो दो बातें ये मुख्य बातें हैं। तीसरी मुख्य बात ये है कि अगर आपके पास एक लर्निंग लाइसेंस है तो आप उससे कहीं भी व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो विद इन आप अपने स्टेट में। इंटर स्टेट आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, यानी कि आपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में आप जाएंगे, जैसे यूपी के हैं तो दिल्ली में नहीं, दिल्ली के हैं तो यूपी में नहीं, ऐसे ही किसी भी स्टेट के हैं तो अदर स्टेट में नहीं, लेकिन अपने स्टेट में कहीं भी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव कर पाएंगे। लेकिन उसमें छोटी सी टर्म्स कंडीशन ये है कि आप लर्निंग लाइसेंस अगर लेकर ड्राइव कर रहे हो तो आपके साथ में कोई एक बंदा होना चाहिए आपके बैक सीट पर, जिसके पास एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप ड्राइव कर पाएंगे। अगर आप विदाउट किसी बैक सीट के बैठे हुए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ऐसे ही आप ड्राइव करते हो तो आप इलीगल ड्राइविंग में मोटा जुर्माना आपको पे करना पड़ सकता है। तो लर्निंग लाइसेंस है तो आप अकेले गाड़ी लेकर ऐसा नहीं कहीं भी आप जा सकते हो, आपके साथ कोई ना कोई होना ज़रूरी होता है। तो तीन ये मुख्य बातें आपको मैंने बताई लर्निंग लाइसेंस संबंध में। अब चौथी मुख्य बात ये है कि लर्निंग लाइसेंस पेपर में ही इशू किया जाता है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि आपके पास होगा। लेकिन आगे आपने सोचा कि लर्निंग लाइसेंस पेपर में ही क्यों इशू किया जाता है, इसलिए क्योंकि यह एक टेम्परेरी लाइसेंस होता है, इसलिए इसको पेपर में इशू किया जाता है। यह कोई परमानेंट लाइसेंस नहीं होता जिसकी वैधता लंबी सालों तक होती है। यह लाइसेंस आपको 6 महीने तक वैध माना जाता है, इसलिए इसको पेपर में ही इशू किया जाता है। और पांचवी मुख्य बात लर्निंग लाइसेंस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने वहाँ पे जब आप आवेदन करते हो तो लर्निंग लाइसेंस आपको सेम अथॉरिटी से ही इशू कर दिया जाता है विद इन 3 डेज। आप उसको लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि आप 3 डेज़ में आपको इशू कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह लाइसेंस जो होता है यह आपके सेम अथॉरिटी से इशू किया जाता है, ना कि किसी और RTO ऑफिस से, एज़ कम्पेयर टू परमानेंट लाइसेंस। परमानेंट लाइसेंस आपको RTO में जाकर वहां से इशू कार्ड होकर आपके घर पे पोस्ट से भेजा जाता है, जबकि लर्निंग लाइसेंस पोस्ट से नहीं आता, आपको अपने नियरेस्ट अथॉरिटी में जाकर या फिर ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ एक और बात आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि लर्निंग लाइसेंस जो होता है इसको आप अवधि बीत जाने के बाद आप फिर से बनवा सकते हैं, और आप इसको कई बार बनवा सकते हैं। अगर आप परमानेंट लाइसेंस नहीं बनवा रहे हो, लर्निंग लाइसेंस बनवा के छोड़ दे रहे हो, बाहर चले जा रहे हैं किसी माध्यम से, आप नहीं वापस आ पा रहे हो, नहीं आप आवेदन कर पा रहे हो परमानेंट के लिए, तो लर्निंग लाइसेंस आप बनवा सकते हो, 2-3 बार आप उसको बनवा सकते हैं, यानी कि। और वहीं पे परमानेंट लाइसेंस जो होता है वो सिर्फ एक बार बनता है, बाकी आप उसी पे कैटेगरी ऐड करवा सकते हैं परमानेंट लाइसेंस पे काफ़ी टाइम, लेकिन बनता एक ही बार है आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, जबकि लर्निंग लाइसेंस में ऐसा नहीं होता है। तो ये हैं कुछ मुख्य बातें जो लर्निंग लाइसेंस के संबंध में मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये पता थी, तो एक आध दो पता रही होंगी, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पता रही होंगी, तो आपको कुछ जानने को सीखने को तो ज़रूर मिला होगा इस वीडियो में। तो अभी कभी लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी आपको और कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो YouTube कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो Instagram पर @TechnicalAlok, Instagram हैंडल है, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ वहाँ पे मैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया Instagram का, ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जाकर आप कोई भी कमेंट मुझसे
करके पूछ सकते हो, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता है नए वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।